तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल रेडियो एक्टिव लुची पे। तो हम कर रहे हैं सबसे पहले ताजमहल पैलेस की सीरीज, और हम आए हुए हैं मुंबई और रुके हुए हैं ताजमहल पैलेस मुंबई में। तो अगर आप लोगों ने बाकी दो इस सीरीज के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सुबह हो चुकी है और आज हम करेंगे ताज का ब्रेकफास्ट और डिनर का रिव्यू और जाएंगे लियोपोल्ड कैफे। सो गेट सेट गो। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अप एट 6 इन द मॉर्निंग नाउ। ओके, आप लोग जल्दी से ब्रश वगैरह करके और फिर फ्रेश होके और बिल्कुल आराम से निकलते हैं बाहर। तो आज हम जाने वाले हैं आज के ब्रेकफास्ट बफे पे। इट्स 6 इन द मॉर्निंग, जल्दी पहुंचना है। इट स्टार्ट्स एट 7 o'clock, सो आई थिंक बाय द टाइम इट्स 7:30 वी विल बी देयर। बाहर जो है ना यार, वो वीडियो बिल्कुल बनाना अलाउड नहीं है रूम के बाहर, बिकॉज जब से वो 26/11 के अटैक्स हुए थे मुंबई पे, तब से ये सब अलाउड नहीं है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और सीधे के सीधे हम लोग पहुंचने वाले हैं शामियाना में। वहीं पे ब्रेकफास्ट बफे है, हम लोग जाएंगे सीधे वहां पे और दिखाती हूँ क्या क्या चीजें हैं वहां पे। ठीक है, सो लेट्स गो। सो यार, लिफ्ट के अंदर आ गए और लिफ्ट के अंदर तो वीडियो बना ही सकते हैं, जस्ट गोइंग डाउन। ठीक है, चलिए लेट्स गो। Got myself this aloo vada and there's this little noodles and ye french toast. Awesome taste, awesome. मुंबई यार उस तरह से नहीं खाए तो क्या फायदा। डिपेंड इन द चटनी हमारे दक्षिण भारत के खाने के खजाने से पेश है आपके सबके सामने डोसा, और मैंने साथ में ली है इडली वड़ा एंड इंदौरी पोहा। देखने से ही बड़ा क्रिस्पी लग रहा था। कॉफी वाज आल्सो अमेजिंग। सो टेस्ट के तो कहने ही क्या, इतना अमेजिंग ये थोड़ा महंगे वाले डोसे का स्वाद था यार, मजा आ गया खा के, सही में अच्छा है। सो ये थी मिक्स सीरियल्स की इडली, मतलब एकदम राइस वाली नहीं थी, थोड़े मिक्स सीरियल्स थे, कुछ वेजिटेबल्स थे, तो टेस्ट मतलब बहुत अच्छा नहीं, बट हाँ ठीक है, अच्छा था। मुंबई में आके इंदौरी पोहा ट्राई करना बड़ा अच्छा पैराडॉक्स तो है, बट मजा आ गया। और साथ में हमने खाया वड़ा सांभर के साथ में एंड एंजॉय की पूरी मील। And now is the time for some desserts. So I got myself जो जो मुझे सही सही लगा वो मैंने बस ले लिया। So here I've got a pretty cupcake, a croissant, a bun, and then some sweet cakes. That's it. This was the first that I tried. और ये था chocolate cake. और बिल्कुल रोम रोम खिल उठा इसको खाने के बाद। So that was really amazing. And I just enjoyed each and every dessert. या समटाइम्स आई वंडर कि ये सिर्फ मेरे साथ होता है या हम सभी के साथ होता है, जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना आपके सामने बफे में तो इतना डिफिकल्ट होता है कि क्या खाएं क्या छोड़ें। सो इट हैपेंस। सो आई जस्ट गॉट माय कॉफी रेडी विद सम शुगर एंड नेक्स्ट टेक्निक है वो है क्रोशों को थोड़ा सा तोड़िए एंड डिप करिए अपनी टी या कॉफी में। आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट तरीका होता है क्रोशों को एंजॉय करने का। आपका अपना खुद का तरीका हो सकता है, बट आई लव डूइंग दिस। बचपन से ही हम लोग सब डिप कर करके खाते आए हैं। तो वॉशरूम से निकल जाते हैं, मेकअप तो हमारा हो चुका है और अब चलते हैं रेडी होने। चलिए लेट्स गो। चलो 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 चलो। सो इट इज अ टाइम दैट आई मूव फ्रॉम हियर। ये पूरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा and me. So the moment I stepped out, I saw this When the Penny Drops by R. Radhakrishnan and I just loved this book corner, so I just captured it out for you all.
यार जरा मौसम तो देखिए, बाहर का मजा ही आ गया। और मुंबई में हम लॉन्ग ड्राइव के नाम पे एक शॉर्ट ड्राइव पे निकल गए फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। सामने दिख रहा है हमें मिस्टर अंबानी जी का घर, और यहाँ से पूरा घूमने घामने के बाद हम वापस पहुँच गए ताज के गेटवे ऑफ इंडिया को एंजॉय करने के लिए। यार पता है आप लोगों को, एक जो शाम होती है ना, वह अपने साथ सिर्फ शीतलता ही नहीं और अपने साथ कई आयामों को लेके आती है। वह बहती हुई हवा आपके बालों को छू के गुजर जाती है, चिड़िया अपने घोंसलों को लौट जाती है, लोग अपने परिवार जनों के साथ बाहर खिलखिलाने निकल आते हैं, अंधेरे को मिटाते हुए रोशनदान चारों तरफ जगमगाते हैं, और कहना ही क्या उस पल का जो हम कहीं और नहीं बल्कि अपने अपनों के साथ ऐसी कुछ सुंदर जगहों पे बताते हैं। जरा रात को देखिए इसका नजारा, ऐसा लग रहा है कि ताजपोशी हो चुकी है। और अब जरा आप ही बताइए कि इसके अविश्वसनीय रूप को देख के आप क्या खिताब देना चाहेंगे। मैं नहीं बताने वाली, जमशेद जी टाटा द्वारा निर्मित यह होटल आप सभी को एक ऐसा नजारा प्रस्तुत करता है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं शामियाना, जहां पे कि आपको डिनर सर्व किया जाता है। और ये रहा आपके सामने मेन्यू। सो चलिए स्टार्टर्स में पनीर लाजवाब से शुरुआत करते हैं, जो देखने से ही काफी टेम्प्टिंग लग रहा था। And it just took one strike and the slice is out. एक ही बार में स्लाइस बाहर, तो इससे आप एक उसकी सॉफ्टनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको हल्का सा ऊपर स्पाइसी टेस्ट आएगा। ये चटनी जो है वो एक मिक्सचर है टोमेटो वगैरह का और साथ में थोड़ा सा स्पाइसेस एंड लहसुन का, एंड जस्ट इतना अमेजिंग फ्लेवर दिया, मजा आ गया। और मैंने मंगाया है लेमन वाटर, दैट्स इट। सो गाइस अब हम वेट कर रहे हैं अपने मेन कोर्स का, और मेन कोर्स में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है यहाँ पे ऑर्डर करने के बाद। सो फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन तवा पुलाव एंड छोले कुलचे। तो ये दो चीजें मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ। या इस तरह का जो कुलचा यहाँ रखा है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मतलब मैंने नहीं देखा इससे पहले। पुलाव मुझे सजेस्ट किया था कि ये जरूर ट्राई करिएगा वेजिटेरियन डिशेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं भाई क्या राज है जरा इतने महंगे तवा पुलाव का, जो जिसके लिए आपको 750 से 800 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। सो आई वुड से इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हॉट और एकदम अच्छा अच्छा स्पाइसी होता है ना, एकदम लिटरली बहुत स्पाइसी था। आई जस्ट गॉट सम दही और इसके साथ यू नो कर्ड एंड राइस का मुझे लगता है कुछ कॉम्बिनेशन एकदम डिफरेंट होता है। सो गाइस लेट्स क्विकली हॉप ऑन to the other dish that is waiting to be tried and it just looked irresistible. पहली बात तो मैंने इस तरीके का कुलचा अभी तक ट्राई नहीं किया था। It just looked very fluffy, very soft and just very neatly presented to us. And now let's just try छोले और इसका जो combination है वो कैसा है। I think expressions say it all. सबसे पहली बात तो जो छोले थे और जो इसका कॉम्बिनेशन था वो एकदम सुपर्ब लग रहा था। छोले चटपटे थे और काफी जायकेदार थे। अगर आप पूछेंगे इससे अच्छे मैंने छोले कुलचे ट्राई किए हैं, तो हाँ मुझे लगता है कि हर किसी का टेस्ट थोड़ा अलग होता है कहीं पे, और कॉम्बिनेशन जो है हर होटल एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन आपके सामने प्रेजेंट करता है। सो हम सबके टेस्ट जो है वो अलग होते हैं, अपने अपने खुद के डिस्क्रिशन पे होते हैं, बट देन ऑल टुगेदर आई जस्ट एंजॉयड द मील। यार अच्छा खाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हैप्पी फेसेस। So it is the evening time and then finally I headed out to one of the most oldest cafes, the Leopold Cafe. सन 1871 में बना ये कैफे बहुत ज़्यादा मशहूर है, पर ज़्यादातर लोग इसको एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट से अटैच करते हैं। एंड सामने आप मेन्यू तो देख ही रहे होंगे,
और जो प्राइसेस हैं वो एक मीडियोकर प्राइसेस हैं, काफ़ी लो भी नहीं है और काफ़ी हाई भी नहीं है। इसका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ मिल सकती है शाम को, और वीकेंड्स पे यहाँ पे मतलब सिटिंग मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यह जो कैफ़े है वो अपनी बहुत सारी मेमोरीज 26/11 से रिलेट करता है। हम सभी जानते होंगे कि ये जो मार्क है जो कभी भूल नहीं सकते हैं, ये हैं बुलेट मार्क्स जो कि 26/11 अटैक में यहाँ पे जब हमला हुआ था आतंकवादियों का, तो कितनी बुरी तरह से यहाँ पे जितने लोग थे वो प्रभावित हुए थे और पूरा कैफे प्रभावित हुआ था। बट यार इनकी जिंदा दली की तारीफ करनी पड़ेगी, चीजें रुकती नहीं है, चीजें चलती चली जाती है, क्योंकि स्पिरिट जो है वो हम सभी लोगों की नेवर एंडिंग है। सो गाइज इट वॉज अ टाइम टू ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हमने कुछ मंगा ली फ्रेंच फ्राइज, और फिर हमने सीधे पूछ लिया अटेंडेंट से वहाँ के कि भैया ये बताइए कि अच्छा क्या है वेज और नॉन वेज में। तो ये आप चिकन करी देख सकते हैं और साथ में जो नान है, बट आई एम अ वेजिटेरियन सो आई वुड नॉट ट्राई दैट, आई वुड गो फॉर अ वेजिटेरियन ऑप्शन। और इसके लिए मैंने ट्राई किया अ क्लब ग्रिल्ड वेज सैंडविच ऑफ लियोपोल्ड कैफे, जो कि मुझे स्मार्टली सजेस्ट किया था यहाँ के अटेंडेंट्स ने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी। मुंबई आए हैं और सैंडविच ना ट्राई कैसे कैसा हो सकता है। तो दिस सैंडविच वॉज अ वेज ग्रिल्ड सैंडविच, इसमें आलू था, बाकी सारी सब्जियों का पूरा कॉम्बिनेशन था, एंड इट जस्ट टुक माई ब्रेथ अवे। आई जस्ट इंजॉयड इट थरली एंड द अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैड, रियली इट्स अ मस्ट ट्राई। एंड फाइनली वी आर बैक टू द होटल और सामने है स्विमिंग पूल, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि अंदर से जो ताज है स्विमिंग पूल का एरिया कैसा लगता है, बिकॉज मैंने बाकी इंट्रोडक्शन में आपको ये एरिया नहीं दिखाया था। सो नाउ लेट्स फाइंड अ कोजी कॉर्नर एंड एंजॉय सम अलोन टाइम गाइस। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे हैं बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है, लुक एट द व्यू। यहाँ पे सामने पूल है, पूल एरिया है यहाँ पे। शाम को आप बैठे हो और हवा अगर आपका साथ दे रही हो तो और क्या ही चाहिए लाइफ में। बहुत प्यारा लग रहा है। जस्ट फिनिश्ड माय लाइम वाटर, आई थिंक इट्स 1 in the night, मैं रात का 1 या 2 बज चुका है, और 1 या 2 बजने के बाद यार यहाँ पे क्यों कल करने वाले चेकआउट पूरे 3 दिन हो चुके हैं। सो आई एंजॉयड अ लॉट, आई होप यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड यू आर ऑल्सो एंजॉइंग। सो दिस वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ ताज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है और अब मैं जाती हूँ। टेक केयर, गुड बाय।